दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर फोन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। दोस्तों, आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा नमस्कार। छुड़ा लो गुलदस्ते, आगे फिर ले लेंगे हम तो आपसे। दोस्तों, सबसे पहले डर लग गया, पहले पकड़ा गए। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने ईश्वर को नमन करता हूं कि उन्होंने आज मुझे यह दिन देखने का मौका दिया। दूसरा, मैं अपने माता पिता को कोट कोट धन्यवाद देना चाहता हूं, कोट कोट नमन करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। तीसरा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सिस्टम को, इस प्यारे से सिस्टम को, और अपने जिन्होंने मेरे जीवन में एक दीप प्रज्वलित किया, मेरा भाग्य बनाया और इस सिस्टम की आधारशिला रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मांड के निर्माणक मेरे गुरुजन श्री विजयपाल सर, श्री शैलेन सर, श्री ओमी सर, श्री धनेम सिंह सर, श्री कारे सर को मैं कोट कोट नमन करना चाहता हूँ, कोट कोट धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनकी वजह से, थैंक यू, इनकी वजह से मुझे ये मंच मिला, ये स्टेज मिला। चौथा, धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से, अपने हृदय से, जिनके यथक प्रयास, कड़ी मेहनत, उन्होंने अपना सब कुछ त्यागा, सब घर छोड़ा, मेरी प्यारी सी टीम, जिसके लिए मैं कोट कोट नमन करता हूं, कोट कोट धन्यवाद देता हूं, थैंक यू। अब मैं चारों के लिए चाहता हूं तहे दिल से, दोस्तों, एक बार दमदार तरीका से, जोरदार तरीका से इनके लिए ताली होनी चाहिए। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार सोलंकी, मैं टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में प्रिंसिपल हूं, मथुरा से बिलोंग करता हूं। और मेरे परिवार ने मुझ में ऐसे संस्कार, ऐसी प्रेरणा दी कि अच्छी पढ़ाई करने के बाद अच्छा काम किया जा सकता है, अच्छी खुशियां प्राप्त की जा सकती हैं, अच्छा मकान दुकान बनाया जा सकता है, अच्छे लोगों से संपर्क किया जा सकता है, अच्छे लोगों में बैठा जा सकता है, हिंदुस्तान में विश्व में नाम कमाया जा सकता है। तो मैंने पहले बीकॉम किया, फिर मैंने एमकॉम किया, और उसके साथ साथ मैंने एमए इंग्लिश से किया, एमए पॉलिटिकल साइंस से भी किया, एमए इकोनॉमिक्स से भी किया, एमए हिंदी से भी किया। दोस्तों, थैंक यू। और मैंने पढ़ाई यहाँ बंद नहीं की, अभी मैंने बीएड किया, फिर मैंने एमएड किया, मैंने एमफिल किया, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिग्री पीएचडी भी मैंने किया। दोस्तों, थैंक यू। यह प्लान मेरे देवदूत मिस्टर शिव कुमार सर और विजय सर के द्वारा मुझे देखने को मौका मिला मेरे घर पे। मैं चाहता हूं इनके लिए दमदार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, प्लान मुझे अच्छा लगा, बढ़िया लगा, लेकिन मैंने जॉइनिंग नहीं ली थी सर। जॉइनिंग लेने का मुझे क्योंकि मैं लाखों रुपए महीने कमा रहा था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी, जीवन बहुत आगे मेरा बढ़ रहा था। मैं ऐसे प्लान को बड़ा हिंद सा से देखता था, लेकिन मेरे फॉलोअप हुए, फॉलोअप में हमारे विजयपाल सर यहाँ बैठे हुए, उनका नाम आया। ये हमारे गांव के बगल से बिलोंग करते हैं। मैं इनके गांव पहुंचा, इधर मेरे मथुरा में फॉलोअप हो रहे थे, मैं गांव पहुंचा इनके। वहां जाके मैंने गांव वाले से पूछा कि यहाँ कोई विजयपाल सर रहते हैं क्या, इनको वहां पे बच्चा बच्चा जानता है। मैंने पूछा ये क्या काम करते हैं, कि काम तो पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन पैसा बहुत कमाते हैं। वहां मुझे ये प्रेरणा मिली, थैंक यू सर।
और मैंने और भी पता किया और लोगों से, दो चार लोगों से, उन्होंने कहा गांव में जो भी खेत बिकता है यही तीन लोग खरीदते हैं और किसी के पास हिम्मत नहीं है। थैंक यू सर। ये सब मुझे जानकारी वहां से मिली, वहां से मुझे प्रेरणा मिली, मुझे थोड़ा विजन क्लियर हुआ। मैं मथुरा आया लौटकर, मैंने चिंतन किया, मैंने अपनी लाइफ को देखा और इनकी लाइफ को देखा, मैंने इनकी योग्यता को देखा और अपनी योग्यता को देखा, मैंने ये हमसे कम पढ़े लिखे हैं और आसमान के सर पर बैठे हुए हैं और हम इनसे ज़्यादा पढ़ ले गए हैं, हम जमीन पर खड़े हुए हैं। मैंने सोचा, दोनों को तोला, तोलने के बाद मैंने योग्यता तो हमने वहाँ ले ली, समाज में हमने अपना वर्चस्व लहरा दिया, वहाँ पर भी सफल है, हम हायर एजुकेशन प्रिंसिपल हैं, लेकिन मल्टी लेवल मार्केट में हम जीरो थे, हम कुछ नहीं जानते थे। इन सर से प्रेरणा ली, इनके इनम से प्रेरणा ली, इनके व्यवहार से प्रेरणा ली और मैंने इसमें जॉइनिंग ले ली सर। जॉइनिंग लेने के बाद मैंने काम स्टार्ट किया, जॉइनिंग बताते हैं, जॉइनिंग लेने के बाद अपलान हो जाते हैं, तो मेरे अपलान हुए, मैंने अपलानों की बात मानी, अपलान ने कहा कि प्लान बनाओ, लिस्ट बनाओ, मैं लिस्ट बनाई, अपलान ने कहा कि प्लान दिखाओ, मैंने प्लान दिखाए, अपलान ने कहा फॉलोअप करो, मैंने फॉलोअप किए, अपलान ने कहा ट्रेनिंग में आओ, मैं ट्रेनिंग में आया, अपलान ने कहा फंक्शन में आओ, मैं फंक्शन में आया, अपलान ने कहा कि बुक्स पढ़ो, मैंने बुक्स पढ़ी, बुक्स पढ़ने के बाद मुझे और कुछ प्रेरणा मिलने लगी, मैं सारी बात अपलान की मानता चला गया, दमदार तरीका से मैंने बातें मानी, वही मेरे कर्णधार हैं, वही मेरे जीवन के पालनहार हैं, वही अपलान मेरे विधाभाव की विधाता हैं, उनकी बात मैंने मानी तो मैं सिल्वर बना, गोल्ड बना, पोल बना और सर आपके सामने दमदार तरीका से टोपाज बनकर खड़ा हूं। थैंक यू। अब मैं आपके सामने एक कमिटमेंट करने जा रहा हूं कि जो टारगेट चल रहा है 16 अप्रैल को खत्म होगा, मैं इसमें एमरल्ड की रिकॉग्निशन लूंगा और 10 लोगों का विदेश का टारगेट पूरा करके दिखाऊंगा। थैंक यू दोस्तों। विदेश का टारगेट की बात कर रहा हूं, तालियां थोड़ी कम लग रही हैं। थैंक यू। और अपने साथ 2 टोपाज, 4 पर्ल, 10 गोल्ड और 20 सिल्वर लेके आऊंगा 16 अप्रैल तक। थैंक यू। मैंने इस बिजनेस में सफलता की एक बात जानी, एक बात सीखी, बात तो बहुत ज्यादा सीखी लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी, हम सफलता के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, सफलता कहीं नहीं छिपी है, सफलता सिर्फ अपलान के चरणों में छिपी है। जिसने भी अपलान के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया, इस बिजनेस में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू। दूसरा, मैंने यहां पे एक बात और सीखी कि जिसने अपनी टीम की अच्छे से मॉनिटरिंग कर ली और बहुत बढ़िया तरीका से किसको कहां भेजना है, कैसे कहां सेट करना है, किसका टारगेट कराना है, तो मैं भगवान की कसम खाकर यहां कह सकता हूं कि उसे यहां पर डायमंड बनने से 2019 में कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। केवल ये 2 शॉर्टकट मैंने यहां सफलता के जाने, अपलान के चरणों में समर्पण और टीम की प्यारी सी मॉनिटरिंग, ये 2 ही शॉर्टकट सफलता के, इस बिजनेस में कोई तीसरा शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू दोस्तों। समय कम दिया सर ने, एक बात और कहना चाहूंगा यहां पे मैं, जो व्यक्ति ज्यादा खुशियां लेना चाहता है, मेरे परिवार वालों ने बताया था कि ज्यादा पढ़ जाओगे तो ज्यादा खुशियां मिल जाएंगी, मैंने इस बिजनेस में पाया है। अभी बिजनेस ट्रिप में गए थे हम यहाँ पे 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक, वहां हमारे पेंट उतारे गए, हमारे कपड़े उतारे गए, वैसे नहीं उतारे गए, तुम सोच रहे हो, बातों से उतारे गए, जो टारगेट कर आ रहे थे हमसे कहीं नहीं लगते थे, कहीं न उनके 4 हाथ थे न 4 पैर थे, ना ज्यादा सुंदर थे हम उनसे ज्यादा स्मार्ट थे, लेकिन हमारे महागुरु ओमी सर बैठे हुए हैं, उन्होंने आगाज कर दिया है 2019 में, या तो टारगेट करो या छोड़ के भाग जाओ, एक ही तरीका है सर। थैंक यू। यदि आपको बहुत सारी खुशियां लेनी है, बहुत ढेर सारी खुशियां लेनी है, आपको जो चाहते हो प्राप्त करना है, तो टारगेट करना सीख जाओ, आपको सफलता आपके पास घूमती रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है सर आपसे। थैंक यू। और मैंने यहाँ पे, वहां मैं बहुत पढ़े लिखे थे, जहां सिविल में बातें करेंगे, सोसाइटी में बातें करेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक बात देखी, जो मैं ऑडी
BMW, रोल्स रॉयस जैसी कारों की बात करते हैं, विदेश यात्राओं की बात करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। यहां मैंने बड़ी सोच प्राप्त की सर, यहां बहुत बड़ी सोच प्राप्त की। थैंक यू। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको दृष्टि से दूर दृष्टि तक ले जा सकता है सर। यही चीजें हैं, बस मैंने इन बातों को माना, मैंने अपलैंड को माना, अपने आने की बात को माना, सबको माना, मैं यहां पहुंच गया। तो उम्मीद करता हूं सर आप लोग भी यहां मेरे से पहले आ सकते हो। थैंक यू। बाकी मैं ज्यादा बोलना, समय सर ने कम दिया है, बार बार बोलने को तो बहुत कुछ है। मैं सर को कोट कोट नमन करता हूं अगेन, अभी टीम को अगेन नमन करता हूं, यहां बैठे सभी ऑडियंस को नमन करता हूं कि इनकी वजह से मुझे यहां बोलने का मौका मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं और अपनी वाणी को विराम देते हुए गॉड डायमंड।